वेलकम फ्रेंड, रिलैक्स स्टडी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों फटाफट आपका नेवी का जो एग्ज़ाम हुआ आज सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए फटाफट देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे सबसे बड़ी बात है दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो दोस्तों क्वेश्चन जैसे आपने मेल में शेयर किया, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि relax_study@outlook.com पे आपको सेंड करना है। तो दोस्तों मेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी दोस्तों, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट मेरे को जो भी क्वेश्चन आए वो सेंड कीजिए। तो दोस्तों शाम तक आपको पूरा PDF है विद आंसर सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए बोलता हूँ दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था। वर्थ का सिनोनियम पूछा गया था। दोस्तों वर्थ का मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ मेरिट, यानी वैल्यू के। और दूसरा था दोस्तों कमेटी का स्पेलिंग जो एरर पूछा गया था। तो दोस्तों कमेटी का स्पेलिंग एरर क्या होगा, COMMITTEE होता है, ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलता है दोस्तों कुवैत की कैपिटल पूछी गई। तो दोस्तों कुवैत एक ऐसी सिटी है और दूसरी सिटी है जिसमें क्या है करेंसी, कैपिटल और जो कंट्री है तीनों का नाम जरूर आता है उसमें। तो दोस्तों कुवैत की कैपिटल है वो कुवैत सिटी है, और कुवैत की जो करेंसी है वो कुवैत दिनार है। अब दूसरी एक और कंट्री है जिसमें तीनों में उसका नाम आता है, प्लस उसकी क्या है करेंसी में भी, कैपिटल में भी, और कंट्री तीनों का नाम सेम है, तो आप वो आंसर में मुझे बताइए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आया था विच क्रॉप वाजंट यूज इन इंडस वैली, यानी सिंधु सभ्यता में कौन सी क्रॉप है वो इनमें से यूज़ नहीं हुई थी, ठीक है दोस्तों, इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट था इंदिरा एक्सरसाइज। इंदिरा एक्सरसाइज है वो दोस्तों इंडिया एंड रशिया के बीच लड़ी गई वो एक्सरसाइज होती है, ठीक है दोस्तों। इंडिया में अभी कहाँ हुई रिसेंट, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। साउंड वेव इफेक्ट ऑन इंक्रीज ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी को इंक्रीज किया जाए तो साउंड वेव पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं प्लेइंग इट माई वे राइटर, इसका राइटर कौन था दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे इसका राइटर जो दोस्तों था ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, तो इसका था बोरिया मजुमदार। तो आंसर में क्या था, सचिन तेंदुलकर था या बोरिया मजुमदार, तो वो आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF व्हेन इट गोज अंडर वाटर, यानी EMF की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है जब वाटर के अंदर जाती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, स्टेबल रहती है, जो भी है, तो वो आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट था दोस्तों इंडियन नेवी दे दोस्तों आपको पता है इंडियन नेवी का एग्जाम जा रहे हो, तो मोस्टली ये क्वेश्चन सबने अटैम्प्ट किया होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4 दिसंबर। अब दूसरा था दोस्तों कुछ लोग बोल रहे थे एड्स डे, ठीक है एड्स डे होता है वो दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है, वर्ड्स एड्स डे। नेक्स्ट चलते दोस्तों IT का फुल फॉर्म पूछा गया। तो दोस्तों आंसर में क्या था वो पता नहीं, बट IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये आंसर में था, तो आपका सही आंसर है। बेल्जियम की करेंसी पूछी गई थी, तो बेल्जियम की जो करेंसी है वो दोस्तों यूरोपियन कंट्री में आता है, तो यूरो इसकी करेंसी। अब दोस्तों आपको बताना है इसकी कैपिटल क्या है बेल्जियम की, ए मैन ऑफ स्ट्रो idiom तो पूछा गया, तो इसका idiom का आंसर होगा दोस्तों ए वीक और कवर्ड पर्सन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट था मैनिया ऑफ टॉकिंग, इस तरह का कोई वन वर्ड था दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या था एग्जैक्ट, ठीक है इसको मैं भी नहीं समझ पाया। दूसरा नेक्स्ट है दोस्तों CM ऑफ महाराष्ट्र, तो अभी दोस्तों उद्धव ठाकरे है करंट 2020 में। अशोक चक्कर इज गिवन, अशोक चक्कर दोस्तों पीस टाइम मिलिट्री या गैलेंट्री अवार्ड होता है, ब्रेवरी के लिए दिया जाता है दोस्तों, बैटल फील्ड में अशोक चक्कर नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों इलिजिबल स्पेलिंग एरर आया था, तो इलिजिबल का ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट था लवर ऑफ बुक्स, इसका वन वर्ड पूछा गया, तो दोस्तों बाइबिलियो फाइल हो जाएगा। नेक्स्ट था IP का फुल फॉर्म, तो दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट चलते हैं BSF का फुल फॉर्म होता है वो दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और दोस्तों जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि दोस्तों इससे बाकी स्टूडेंट्स को क्या होता है फ़ायदा होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।